हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक जीके का डेली कैप्सूल्स का पार्ट थर्ड करने वाले हैं और इस पार्ट थर्ड में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। ओके, और आप एक बार सब लोग जान लीजिए कि ये जो सीरीज है ये एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और इस इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक भी आपको दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखते हैं आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये कि वेम्बनाड लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो देखिए, वेम्बनाड झील जो है ये केरला राज्य में स्थित है। ओके, ये जो झील है ये केरला राज्य में है। ओके, और आप देखिए कि ये केरला का सबसे लार्जेस्ट ये लेक है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये सबसे लार्जेस्ट है। ओके, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि वेम्बनाड लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट लेक इन द स्टेट ऑफ केरला। ओके, अब देखिए केरला की बात हो रही है तो इसके आप सीएम बताइए कौन है। तो विजयन जो है ये यहाँ के सीएम है और अगर गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर भी हैं और ये क्वेश्चन आपके सीएचएसएल के एग्ज़ाम में पूछ भी चुका है कि केरला के गवर्नर कौन है। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा सीट की बात करें तो 9 है, लोकसभा सीट की बात करें तो 20 है। ओके फ्रेंड्स, कैपिटल कौन है तो तिरुवनंतपुरम यहाँ का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। पेंसे डैम जो है ये आपके किस शहर में लोकेटेड है ये आपको बताना है। पेंसे डैम इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पेंसे डैम जो है ये आपका कहाँ है तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ओके, कि पेंसे डैम जो है ये डैम लोकेटेड है महाराष्ट्र में। और एक बात जानिए कि महाराष्ट्र के जो पुणे जो सिटी है, महाराष्ट्र का जो पुणे सिटी है, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई इसी डैम के थ्रू होता है। ओके, और देखिए पेंसे डैम को जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है आपको टांजी सागर। ओके, टांजी सागर जो है ये इसका एक अनदर नेम है। ओके, तो पेंसे डैम इज़ आल्सो कॉल्ड टांजी सागर डैम इज़ अ डैम ऑन द आम्बी रिवर। ठीक है, अबाउट 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ पुणे इन वेस्टर्न इंडिया। ओके, द डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड इन लेट 1950 फॉर इरीगेशन, इट सप्लाइज ड्रिंकिंग वाटर टू पुणे। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके सामने ये है, रामानाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो रामानाथ स्वामी जो टेम्पल है ये किस शहर में है, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये जो टेम्पल है ये किस भगवान का है तो शिवा, लॉर्ड शिवा का। और जो भगवान का जो 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स है उसमें से एक ये भी टेम्पल है आपका रामानाथ स्वामी टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देबलीम एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो देबलीम जो एयरपोर्ट है ये किस शहर में है तो ये आपका गोवा में है। ठीक है, गोवा में। वियतनाम का करेंसी क्या होगा, ठीक है, वियतनाम का करेंसी क्या है तो डोंग जो है ये यहाँ का करेंसी है। और यहाँ का अगर कैपिटल की बात करें तो हैनोई जो है यहाँ का वियतनाम का कैपिटल है। करेंसी डोंग, कैपिटल हैनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिन्स्क इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मिन्स्क इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तो ये किसका है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिन्स्क इज़ द कैपिटल ऑफ बेलारूस। ओके, बेलारूस का कैपिटल है। इंटरनेशनल नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल नर्स डे है ये आपको 12 मई को सेलिब्रेट होता है। और आपका आपने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, उनके मतलब उन्हीं के द्वारा स्थापित, क्योंकि वो नर्स की जनक कहा जाता है, मदर ऑफ नर्सेस कौन थी तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। और उन्हीं के कॉमेमोरेट करने के लिए जो है नर्स डे सेलिब्रेट होता है 12 मई को। हरंगी बांध किस राज्य में बना है, द हरंगी डैम इज़ बिल्ट इन विच स्टेट। तो जो हरंगी डैम है ये कहाँ बना हुआ है ये आपको बताना है। तो हरंगी डैम जो है ये कर्नाटका में बना हुआ है। ओके, कर्नाटका इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, हरंगी डैम। नेक्स्ट देखिए, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात में ये आपको स्थित है। और ये जो है टोटल 120 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये आपको नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट, कंज्यूमर इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर कहाँ है? द हेड क्वार्टर ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेड क्वार्टर ऑफ कंज्यूमर इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन लंदन। और ये कब फाउंड हुआ था? तो ये फाउंड हुआ था आपको 1 अप्रैल 1960 को ये जो है फाउंडेड हुआ था। और अगर बात करें तो 120 कंट्रीज में से इसका टोटल मेंबर है 250 ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज़ ओवर 250 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन इन 120 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द ट्राई? ट्राई का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्राई के चेयरमैन कौन है? तो ये कौन है? ये हैं राम सेवक शर्मा जो हैं, ये ट्राई के चेयरमैन है। ठीक है, कौन है? अब देखिए ट्राई की बात हो रही है तो आप देखिए कि ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये फाउंडेड कब हुआ था? एक्चुअली ये गवर्नमेंट एजेंसी है। ओके, और फाउंड हुआ था 20 फरवरी 1997 को हुआ था। ठीक है, हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और अगर बात करें चेयरमैन की तो राम सेवक शर्मा जो हैं इसके चेयरमैन है ट्राई के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वन लाइफ इज नॉट एनफ, मतलब वन लाइफ इज नॉट एनफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ होम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के नटवर सिंह। वन लाइफ इज नॉट एनफ ये जो है के नटवर सिंह का आपको ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एस अगेंस्ट ऑड्स इज द बायोग्राफी ऑफ, ये किसका है बायोग्राफी? ये सानिया मिर्जा का है। ओके, टेनिस सनसनी, सानिया मिर्जा। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज इशूड बाई, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इज इशूड बाई क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। तो ये पब्लिश करता है, ये जो रिपोर्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट का, उस वो रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। ISSF का हेड क्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है? म्यूनिक जर्मनी में है। ओके, द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, ये कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बुद्धा नुला कैनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तुम पंजाब में है। कहाँ है? बुद्धा नुला कैनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पंजाब। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एग्जिम बैंक कब फाउंड हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, एग्जिम बैंक कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक का, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो 1 जनवरी 1982 को एग्जिम बैंक का फाउंड हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है ये मुंबई में है। ओके, और इसके अगर अगर आप CEO की बात करें एग्जिम बैंक के, तो वो है डेविड रेस्क्यूना। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा कि फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड किस बैंक ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था? कौन सा बैंक है इंट्रोड्यूस करने वाला मसाला बॉन्ड का? तो ये है HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक जो है ये आपका मसाला बैंक जो है फर्स्ट टाइम इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस हो गए स्ट्रैटेजी जीके के डेली कैप्सूल का पार्ट 3 है। और आप लोग इन सभी सीरीज़ को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि अभी तो चलिए एग्ज़ाम में डिले है, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो आप इन सबको रिवीजन के तौर पे करके ही जाना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।